गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एवन मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको बदलना, क्या करना, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है बहुत बड़े रूप में लिखना या बड़े रूप में लिखना, और शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है छोटे रूप में लिखना, किसी चीज को छोटे रूप में लिखना। अब देखिए ध्यान से, अपने पास ये संख्या है, इसमें सबसे पहले एक्सटेंडेड फॉर्म का सीधा सा तरीका है, पहला डिजिट लेंगे, पहला डिजिट माने या लिख लेंगे जो लिया है हमने, उसके बाद वाले डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद में सेकंड डिजिट लेंगे हम, 8 क्या लिख लेंगे। सेकंड डिजिट के बाद वाले जितने भी डिजिट है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में अगला डिजिट लेंगे 7, 7 क्या लिख लिया, 7 के बाद वाले डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में 7 के बाद में 2 आता है, 2 ले लिया हमने या लिख लिया, 2 के बाद डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद में हम 5 लेंगे, 5 लिख लिया हमने, 5 के बाद डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके बाद में हम 7 लेंगे, 7 लिख लिया, 7 के बाद डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3। इसके बाद में 3 लेंगे, 3 के बाद में 2 डिजिट है, 2 काउंट करके या लिख दिया 2 0। फिर इसके बाद में 2 लेंगे, 2 के बाद 1 ही डिजिट है, इसलिए 1 0 लगा दिए, 8 आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम, सेकंड वाला क्वेश्चन। ये अपने पास संख्या है, सबसे पहले इसमें वही करेंगे, सबसे पहले 2 कंपनियाँ लिख दी, 2 के बाद वाले जितने भी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट है, 8। तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको 8 0 काउंटिंग करके उतार देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 0। अगला डिजिट लेंगे हम 7, 7 क्या लिख दिया, 7 के बाद डिजिट काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 0 लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में हमने अगला डिजिट 3 लिया, 3 के बाद डिजिट काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 0 काउंटिंग करके 6 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में हमने अगला डिजिट 2 ले लिया, ये 2, अब इसके बाद में 1 2 3 4 5, तो 5 जो है काउंटिंग करके लगा दिया हमको, 1 2 3 4 5। इसके बाद में अगला डिजिट 5 ले लिया हमने, ये हम 5 उतार दिया, आपकी बार डिजिट काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 0 लगा दिए। इसके बाद में लेंगे हम 4 यहाँ उतार दिया, 4 के बाद डिजिट काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 0 लगा दिए हमने। इसके बाद 2 ले लिया हमने, 2 यहाँ उतार दिया, इसके बाद में 1 2, 2 डिजिट लेंगे थे 1 2। इसके बाद में 7 उतार दिया हमने, 1 0, 3 8 का 8, ये चीज की दे हो गई अपने सेकंड क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ध्यान दें, पहले 3 लेंगे या उतार लिया थे, ठीक है। अब 3 के बाद डिजिट काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद में 8 लेंगे, 8 के बाद डिजिट काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में 4 ले लिया हमने, 4 के बाद डिजिट काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में 5 नोट कर लिया, 5 के बाद डिजिट काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद में 6 ले लिया हमने, 6 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट है यहाँ, कुछ नहीं, 4 0 लगा दी, 1 2 3 4। इसके बाद अगला डिजिट 7 ले लिया हमने,
आपके बाद में वन टू टू डिजिट है, वन टू दो जीरो लगा दिया हमने, फिर इसके बाद सिक्स ले लिया या सिक्स वन ही डिजिट है, वन जीरो लगा दी, इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आपने बचा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमने वन डिजिट ले लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसमें एट जीरो का आ गया, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखा फोर ले लिया, इसके बाद में सेवन डिजिट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ सेवन जीरो हमने उतार दिया। इसके बाद में सिक्स ले लिया हमने, यहाँ सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ सिक्स जीरो उतार दिया। इसके बाद में सेवन ले लिया हमने, यहाँ सेवन उतार दिया, सेवन के बाद वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट है, तो यहाँ फाइव जीरो नोट कर लिया। इसके बाद में जीरो और जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए यहाँ जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही लिखेंगे हम दोनों जगह। फिर इसके बाद में सेवन उतार देंगे, ये सेवन उतार दिया हमने, सेवन के बाद वन टू टू डिजिट है, यहाँ दो जीरो लगा दी, इसके बाद में टू उतार दिया, एक जीरो लगा दी, फिर नाइन का नाइन लिख दिया हमने। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फाइव इस वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन कंपैक्ट या रिडक्ट फॉर्म, कंपैक्ट बोल दो रिडक्ट बोल दो या शॉर्ट फॉर्म बोल दो, बात एक कि छोटे रूप में लिखना। इससे पहले हमने छोटे से बड़े रूप में कन्वर्ट करना सीखा था, अब बड़े से छोटे रूप में लिखना है, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, यहाँ से समझना। ये अपने पास संख्या लिखी हुई, समझ में आया था, ये अपने पास संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को हमने एस एस जैसी है या वैसी लिखी है, नो क्लियर, जितनी जीरो थी उतनी जीरो लगा दी, सेकंड संख्या उसके नीचे नोट कर ली, वंस वंस को ध्यान में रखते हुए, थर्ड संख्या तीन यहाँ लिख ली और लास्ट संख्या तीन यहाँ लिख ली, और इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने से जो संख्या आई है उस संख्या को हमने यहाँ उतार दिया, यही इसका आंसर है, अर्थात इसकी शॉर्ट फॉर्म यही। ऐड करना आपको आता ही है, वो सिखाने की जरूरत नहीं। आगे ऐड करो, इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है, एट करोड़ है तो यहाँ एट करोड़ के रूप में लिखा हमने, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लेख और करोड़, मतलब एट करोड़ अपना पूरा हो गया। इसके बाद में ट्वेंटी सिक्स लेख को हमने यहाँ ट्वेंटी सिक्स लेख लिख दिया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन ट्वेंटी सिक्स लेख लिख दिया। इसके बाद में आता है ट्वेंटी एट थाउजेंड, वहाँ ट्वेंटी एट थाउजेंड हमने लिख दिया, इसके बाद सेवन हंड्रेड लिख दिया, इसके बाद एट लिख दिया, वन का मतलब एट का एट लिख दिया, इन सबको ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करने से हमारी जो संख्या आई है उसको यहाँ नोट कर दी, यहाँ भी वो ये पढ़ेंगे तो ऐड करो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड, सॉरी ऐड करो ट्वेंटी सिक्स लेख ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट, जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ है, बस ये है कि इसमें छोटे रूप में लिख दिया, बड़े रूप में लिख दिया, इसमें सब अलग अलग, लेख अलग है, ट्वेंटी एट थाउजेंड अलग है, सेवन हंड्रेड अलग है, एट वन अलग है, और वो सारा यहाँ लिख दिया हमने, एट करोड़ ट्वेंटी सिक्स लेख ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट। ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है ऐसी जो यहाँ संख्या थी वो यहाँ उतार दी, ये जो संख्या थी इसको यहाँ नोट कर लिया, ये जो संख्या थी इसको यहाँ नोट कर लिया, ये जो संख्या थी इसको यहाँ नोट कर लिया, ये जो संख्या थी इसको यहाँ नोट कर लिया, लास्ट संख्या को यहाँ नोट कर लिया, और सबको प्लस कर लिया। प्लस करने से जो संख्या है वो यहाँ नोट, वो सीधा तरीका शॉर्ट फॉर्म में बदलेगा, कंपैक्ट फॉर्म में बदलेगा, रिडक्ट फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में बदलेगा। अब ध्यान दें ये भी ऐसे ही हुई है, इस संख्या को यहाँ नोट कर लिया, इसको 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 यहाँ नोट कर लिया, बस ये ध्यान रखना वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट एंड तक शुरू से एंड तक आना चाहिए, और इन सबको हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने से जो संख्या आई है उसी संख्या को हमने यहाँ नोट कर लिया,
ये अपना आंसर हुआ। समझ में आ गया।